सोलन में पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवा हैं और इन पर फल चोरी करने का इल्जाम है। इन दोनों युवकों ने रात को रेहड़ी से फलों की पेटियां चोरी की और गाड़ी में इन रखकर सोलन में घूम रहे थे। पुलिस ने उन्हें शक के आधार पर रोका और गाड़ी में से चोरी की फलों की पेटियों को बरामद कर ली। देखने में ये दोनों युवक अच्छे घरों से संबंधित लग रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए SHO नवीन झाल्टा ने बताया कि दोनों युवकों ने बाईपास से फलों की पेटियों को चुराया और उसमें से कुछ पेटियों को उन्होंने कुछ लोगों को बेच भी दिया। आरोपियों की कार से कुछ पेटियों तो बरामद कर ली गई हैं, साथ ही में जो पेटियां उन्होंने बेची हैं तो वो भी रिकवर कर ली गई हैं। आज सुबह 4:45 बजे बाईपास रोड सपरून से सूचना मिली कि एक फ्रूट शॉप से 15 पेटियां सेब की, 1 पेटी अमरूद की चोरी हो गई है। इस पर हमने इधर उधर गाड़ी की तलाश की तो तार फैक्ट्री के समीप यूको बैंक के पास एक मारुति कार HP14 नंबर की मिली, जिसमें 10 पेटियां सेब की और 1 पेटी अमरूद की रिकवर हुई तथा तो 2 आरोपी जिसमें एक का नाम नवीन है और दूसरे का नाम पंकज है, दोनों को गिरफ्तार किया गया तथा 2800 रुपये भी नगद बरामद किए। 5 पेटियां इन्होंने अनजान व्यक्तियों को बेच दी थी जिसके 2500 रुपये भी रिकवर किए गए। सोलन में युवक मजाक में या कुछ नशे के गिरफ्त में आकर छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दे देते हैं, जिन्हें चोरी करने का अंजाम मालूम नहीं होता, लेकिन जब पुलिस की गिरफ्त में वो आते हैं तो उनके पास महज पछताने के सिवा कुछ नहीं होता।